बाबर आजम कैप्टन हमारे साथ हैं। जैसे आपको पता, हमारा साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे टूर है और काफी टफ टूर है क्योंकि क्वालिफिकेशन मैचेस भी हैं। तो मैं बाबर आपसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी प्रिपरेशन के मुताबिक बताएं, कैंप के मुताबिक आप ये थोड़े सा ओपनिंग स्टेटमेंट दे दें, फिर उसके बाद वी विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। और आप जो चैट में क्वेश्चंस के लिए प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू। रिपीटिशन ना करिएगा ताकि सभी बारी सके और जो क्वेश्चन एक दफा हो जाए उसको दोबारा रिपीट आप प्लीज करिए। अस्सलाम वालेकुम सबको, और बहुत शुक्रिया सबका आपका आने का। और जैसे आपको पता है कि आज से हमारा कैंप भी शुरू हो रहा है और साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टूर है। काफ़ी खुशाइन बात हमारे लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर है हमारे लिए, और विनिंग मोमेंट को लेके हम चलेंगे। और जैसे आपको पता है कि वनडे और T20 हैं हमारे साउथ अफ्रीका में, और कोशिश यही होगी कि हम पहले तो ये कि हम वनडे लास्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले थे तो वो काफ़ी गैप आया, और हमने जो ये कैंप है इसमें हमने वनडे टूर्नामेंट वनडे के दो मैचेस रखे हैं कि बैक नॉर्मल आ जाए, और वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है और हम इसी पे हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से जीतें और वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए पॉइंट्स हासिल करें। और T20 का भी जैसे देखें जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के जो दोनों टूर के मिला के 7 T20 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल मैचेस हैं कि हमें काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी, और कोशिश होगी कि जितना हम यूटिलाइज करें इस चीज़ को उतना हमारे लिए अच्छा है। और टेस्ट मैच देखें, टेस्ट मैच जिम्बाब्वे के साथ है, और कोशिश यही होगी कि जो हम टीम सेलेक्ट किए नए लड़के हैं, नए लड़कों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अवेल करें और अपने आप को जितना हो सके टेस्ट क्रिकेट के लिए पॉलिश करें, क्योंकि आगे हमारी टेस्ट क्रिकेट भी ज़्यादा है, वेस्ट इंडीज़ जाना है, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड नहीं आना है, तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखें कप्तानी मुझे करते हुए 18 मंथ हो गए हैं, तो काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ मजीद सीख रहा हूँ, और कोशिश यही है कि जितना एज अ टीम हम अच्छी परफॉर्मेंस करें और टीम हमारी Top 3 में आए, और मेरा यही ड्रीम है। और मेन चीज जो आजकल रूमर्स चल रहे हैं कि मेरे खिलाफात हैं टीम सिलेक्शन पे, मेरे ख्याल से ये जो बातें हैं, जो मीटिंग की बातें हैं, वो मीटिंग रूम तक रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर आती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। और देखें डिबेट होती है, डिबेट अच्छी होती है, कभी आप वो आपके लिए अच्छा होता है, पूरी टीम के लिए अच्छा होता है। एग्री डिसएग्री देखें वो आप में भी होता है, आप भी क्या जब सारे एक दूसरे के प्लेयर के बारे में बात करते हैं तो एग्री डिग्रे वो साथ चलता है। तो मेरे ख्याल से जितना इस चीज़ को हम इस चीज़ में रखें और इसको वो अच्छा रूम में रखें उतना अच्छा है। और ये मेरी टीम नहीं है, ये हमारी टीम है, तो मैं इस पूरी टीम को लेके चलता हूँ, और बिल्कुल सिलेक्शन का जो प्रोटोकॉल है, जो चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ, और जो रोल मुझे दिया गया है, मुझे जो टीम मिलती है और 11 प्लेयर्स मैंने ही खिलाने होते हैं, और कोशिश यही होती है कि जो बेस्ट प्लेयर हों वो यूटिलाइज किया जाए। और मैं जो नई टीम आई है, जो टीम आई है उसको वेलकम कहता हूँ, बेस्ट प्लेयर्स हैं, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छे नजर आएंगे। थैंक यू बाबर। आज क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ स्टार्ट करेंगे। सोहेल इमरान, माजिद भट्टी एंड देन यूसुफ अंजुम और शायद बाबर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी आपने सिलेक्शन के हवाले से बात की है कि बहस होती है और होनी भी चाहिए और बंद कमरे की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, आप कुछ इसके ऊपर डिस्क्लोज करना चाहेंगे कि सिलेक्टर से या सिलेक्शन कमेटी से जो आपने नाम मांगे वो आपको नहीं मिले और जो मिले हैं उनसे आप नाखुश हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें बाद में पहले भी आज में स्टेटमेंट में बोला है कि जो हेल्दी डिस्कशन होती है, जो टीम में जो रूम में बातें हैं वो रूम में रहे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा बाबर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ दिन से एक तो सिलेक्शन कमेटी का बहुत ज्यादा मीडिया में गर्दिश में है, फिर आपके हवाले से एक और मामला है, वो है जाहिर निजी मामला, लेकिन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और जब पाकिस्तान के कप्तान हो तो जाहिर है अब ये इंटरनेशनल स्टोरी है,
तो जब एक प्लेयर के बारे में कोई भी निजी स्कैंडल चल रहा हो तो उसकी परफॉर्मेंस पर या आप अपने जहन पे कितना उसको सवार कर सकते हैं। दूसरा, अब ये जो सिलेक्शन की आपने बात की और सोहेल इमरान भी अभी कह रहे थे, तो चीफ सिलेक्टर ने पिछले दिनों कहा कि शर्जील खान जो था वो बाबर आजम ने हमसे मांगा तो हमने आपको दे दिया, लेकिन मसला ये है कि जब विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर वो फिटनेस पे स्टैंडर्ड सेट करता है कि मुझे अनफिट प्लेयर नहीं चाहिए, लेकिन आपने एक ऐसे प्लेयर को मांगा जिसके फिटनेस के बहुत सारी इश्यूज हैं, तो ये एक नेगेटिव मैसेज नहीं जा रहा है यंगस्टर्स के लिए कि भाई फिटनेस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, लेकिन है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। हाँ देखिये, पहला सवाल जो आपने किया है, देखें वो मेरे जो वो कोर्ट में चल रहा है और मेरे जो वकील हैं उसको हैंडल कर रहे हैं, इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। फोकस मेरा हमेशा क्रिकेट पे होता है। देखें, हर्डल्स हर हर तरफ से आती हैं, ये नहीं है कि मैं उससे फोकस हटा लूँ। इवन के इसके अलावा भी बहुत सी हर्डल्स होती हैं, वो भी हम फेस करते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं, मैं एज अ प्लेयर कोशिश यही करता हूँ कि जितना मैं क्रिकेट पे फोकस रखूँ उतना मेरे लिए अच्छा है और टीम के लिए अच्छा है। और दूसरा ये कि देखें, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ और देखें बात तो ये है कि वो शदाब खान तो नहीं बन सकता ना एकदम, तो आप उनको कैरी करते हैं, बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ, फिटनेस उसकी वैसी नहीं, लेकिन हम उसको उस पे लाएंगे। और देखें जिस तरह उसकी फॉर्म लगी हुई है तो वो हमें वो काफ़ी हेल्प कर सकती है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और ओपनर, मैं उसके साथ कराची किंग्स में भी खेल रहा हूँ, तो वो मुझ पे प्रेशर या एज अ प्लेयर अगर आप उसके साथ आप खेलते हैं तो वो टोटली गेम चेंज कर सकता है, तो बिल्कुल उस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी फिटनेस के काम करें और इंशाल्लाह आपकी उसको फिटनेस में भी डिफरेंट लगेगा। देखें मैंने T20 के लिए ही मांगा था, वनडे के लिए क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, तो शॉर्ट फॉर्मेट में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और फिर मैं भी कहूंगा फिटनेस पे काम होगा। बाबर, अक्सर ये कहा जाता है कि आप एक बाख्तियार कप्तान नहीं है, जिस तरह के माजी में हम सामने नजर आए हैं, तो इस पे काफी तनकीद भी हो रही है कि बाबर को बोल्ड होना चाहिए अपने फैसले जो उन्होंने लेने हैं उसके लिए उनको खड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो देखने में आया वो अभी तक ऐसा नहीं हो सका, तो इस पर कोई आप चाहेंगे कि आपको भी बाख्तियार कप्तान बनाया जाए माजी की तरह? देखें मैं पहले भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल होता है, हर बारी मैं यही बोलता हूँ, देखें आपको लगता है अथॉरिटी, मुझे भी 5 साल हो गए हैं और कप्तानी करते हुए मुझे मेरे ख्याल से 2 साल होने वाले हैं, तो ये नहीं मेरे ख्याल से लगता कि मैं स्टेप नहीं लेता। देखें मैं स्टेप लेता हूँ प्लेयर्स के लिए, टीम के लिए, ये नहीं कि मैं इंडिविजुअल किसी के लिए स्टेप लेता हूँ। मुझे जो समझ आता है या जो मुझे एज अ हम ग्रुप काम करते हैं वो यही होता है कि जो टीम के लिए बेहतरी हो वो किया जाए, वो फैसले किए जाएं, और ऐसा कुछ भी नहीं है फिर मैं अब दोबारा दोबारा कहना अच्छा भी नहीं लगता। बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साउथ अफ्रीका ने जो टीम अनाउंस की है ओडीआई की, उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की वजह से अपने कुछ बॉलर्स जो आईपीएल में जा रहे थे और एक बैट्समैन रोक लिया है, डेविड मिरर रोक लिया, क्विंटन डीकॉक, और पूरी उनकी बॉलिंग होगी, तो कितनी मुश्किल होगी सीरीज साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका में, जबकि ये बड़े क्रूशियल पॉइंट्स होंगे वर्ल्ड कप के? बिल्कुल काफी क्रूशियल पॉइंट्स हैं, और देखें साउथ अफ्रीका टीम काफी एक्सपीरियंस टीम है और होम कंडीशन में उनकी कंडीशन काफी डिफरेंस है, लेकिन मेरे ख्याल से जिसना हमने लास्ट टाइम उनको टफ टाइम दिया था और लड़कों ने परफॉर्म किया था, तो इंशाल्लाह वैसे ही एम लेके जा रहे हैं और मीनिंग मोमेंटम जो हम लेके जा रहे हैं उससे काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वनडे की बात करें, जिस तरह देखें हमने इस कैंप में भी 2 मैचेस रखे हैं कि हम टीम जेल हो जाएं, और वहां पे भी हमें 4 दिन मिलेंगे, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट डिफरेंट नजर आएंगे। और देखें आप किसी भी इनके साउथ अफ्रीका टीम को आपको आप कभी इजी नहीं ले सकते किसी भी टीम को, तो कोशिश होगी कि जो बेस्ट टीम हो, जो बेस्ट प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए, और कॉन्फिडेंस से ही हम इंशाल्लाह खेलेंगे। जी प्लीज सिलेक्शन और उस पे रिपीट ना करिएगा क्वेश्चन, और बात आके ज्यादा हम क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट है उमर जी, देन यकूब साहब हैं, देन मोईशा साहब प्लीज। थैंक यू रजा। बाबर आपने भी बार बार एम्फसाइज किया कि आपको 18 महीने हो गए कप्तानी करते हुए, काफी एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं,
अब दोबारा मैं शजील पे बात करूंगा। शजील पे आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो मैच विनर है और जब वो खड़े होंगे तो वो मैच की साइड पे करते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस का टेस्ट फील्डिंग में होगा जब आप कप्तानी कर रहे होंगे फील्ड में और वहां पे आपका टेस्ट होगा। तो आप एक ऐसे प्लेयर को जो जो फिटनेस के मैार को पूरा पे नहीं उतरते और आप उनको उनको फील्ड में उनको सेट करना कितना मुश्किल होगा आपके लिए, और ये बाकी को मैसेज डिस्करेज नहीं करेगा कि आप फिटनेस के स्टैंडर्ड को कम करके आप लड़कों को टीम में रख के आप उनको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मेरे ख्याल से आप मुझे मेरे ख्याल से आपको ये लग रहा है कि पता नहीं उसकी फिटनेस कैसी है। आपने उनका डोमेस्टिक का भी आप देखें, उसने वो पूरा 4 डे भी खेला है, 1 डे भी खेला है, PSL भी खेला है, तो मेरे ख्याल से इतना कोई इशू नहीं है फिटनेस का। ठीक है वो थोड़ा सा हेल्दी है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन बात फिर वही करूँगा कि मैच विनर है और कोशिश होगी कि इस पर भी काम किया जाए। और फील्डिंग में मुझे ख्याल से इतना कोई इशू नहीं है, फील्डिंग में वो बेहतरीन है और जितना हम देखें अब टीम का हिस्सा है और जितना हम उसको बैक करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा। जी याकूब साहब एंड देन मोइशा। रजा मेरा क्वेश्चन हो गया गाइस क्वेश्चन। जी थैंक यू मोइशा साहब, आप करिएगा देन अकील अहमद। जी बाबर अस्सलाम वालेकुम। जी ये सर पूछना था कि थोड़ा सा देखें पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका आया तो यहाँ डिफरेंट हमारी पिचेस होती हैं, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, और जब साउथ अफ्रीका हम जाते हैं तो टोटली चेंज होता है सारा सिनेरियो। पिचेस जो हैं वो ऐसी बनाते हैं जो पेसर्स के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, और हमने देखा है कि कोई लंबा स्कोर हम खासकर वनडे में नहीं कर पाते जब हम साउथ अफ्रीका जाते हैं। शाज़ो नादर ही ऐसा हुआ है कि कभी भी जीते हैं तो कभी वकार यूनिस ने जिता दिया, कभी कोई और फास्ट बॉलर ने जिता दिया। तो बैट्समैन अपना रोल आप समझते हैं कि प्ले करने के लिए तैयार हैं जी साउथ अफ्रीका में? जी बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ, बैट्समैन हमारे बिल्कुल रेडी हैं, और देखें टूर्नामेंट्स और मैचेस हमेशा फास्ट बॉलर ही जिताते हैं। जिस तरह आपने अपनी जिक्र किया बैट्समैन का कोशिश ये होती है कि उनको अच्छा टोटल दिया जाए और बॉलर उसको डिफेंड करते हैं, और मेरे ख्याल से जो टीम सिलेक्ट हुई है जो हमारी टीम है वो बिल्कुल उस पर 110% उनको कॉन्फिडेंस है। और देखें हमेशा आप जब बाहर जाते हैं थोड़ा सा आप स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम की बात करूं तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम वहां पे परफॉर्म किया, वहां पे रिस्पॉन्स दिया, तो इंशाल्लाह इस टीम के भी ऐसे ही जाएंगे और वैसे ही परफॉर्म करेंगे। अकील भैया क्वेश्चन करिएगा। ओके जी हम फॉरवर्ड करते हैं शहजाद मलिक। बाबर आपने बार बार एक बात कही कि जी मीटिंग के जो बातें हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए, तो मीटिंग में 3-4 या 5 लोग होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों में से कोई बाहर निकालता है, तो इसका क्या मतलब है? ये सर मैंने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में बता दिया, मैं मजीद बार बार वो रिपीट नहीं कर सकता। जी रजा मेरा सवाल है। जी अकील भाई आप करें प्लीज। जी बाबर कैप्टन आप जाहिर है काफी 18 माह से कप्तानी कर रहे हैं और खासतौर पर COVID-19 की सूरत हाल में जिस तरह इंग्लैंड का मुश्किल टूर किया, उसके बाद न्यूजीलैंड में काफी कर्फ्यू का समय था, खिलाड़ी परेशान रहे, परफॉर्मेंस मुतासर हुई, जनूबी अफ्रीका में कितना आप समझते हैं कि क्वारंटीना होगा मुश्किल और उसके बाद परफॉर्म करना, क्या पाकिस्तान खिलाड़ी उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह होम सीरीज में परफॉर्म किया? देखें जी क्वारंटीन जिस तरह 1 साल हो गया इस चीज़ में हम इस चीज़ को कर रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और एक होटल में रहना फिर प्रैक्टिस और फिर होटल, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जितना लड़कों को कंफर्टेबल किया जाए उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि टीम रूम बना होता है वहाँ, बंदे लड़के जाके बैठ जाते हैं, गेम्स खेलते हैं एक दूसरे के साथ, देखें टाइम स्पेंड करते हैं, तो मेरे ख्याल से जब जो लड़का गिरता है कोशिश होता है कि एक दूसरे को हम यही उठाएं, एक दूसरे को बैक करें कि जो
गिर रहा है या जो कंफर्टेबल नहीं है, जो परेशान है या जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं, मेरा स्ट्रेस आ रहा है, तो हम यही एक टीम की खासियत है कि एक दूसरे को हम उठाते हैं। और बिल्कुल जैसे आपने बात की, होम में परफॉर्म किया है, मेरा यही एम है कि हम बाहर जाके कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में जाके भी ऐसा परफॉर्म करें। और इसके लिए इंशाल्लाह जितना हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जितना हम एक दूसरे पे बिलीव करें, अपनी एबिलिटी पे बिलीव करें, उतना इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी डिफरेंट नजर आएंगे। जी अनसेंडन बाकी। बाबर, मेरा सवाल ये है कि आपने इन द फील्ड जो है वो पाकिस्तान की काफी कामयाबियां, जो पाकिस्तान की दिलवाई और पाकिस्तान का नाम काफी रोशन किया है, लेकिन ऑफ द फील्ड आपके स्कैंडल की वजह से आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हुई है? सर, मैंने पहले भी बोला है कि ये कोर्ट में चल रहा है और मेरे वकील जो हैं, जो मेरी टीम है, उसको देख रही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जी बाकी, एंड देन हाफिज शहबाज। बाबर, ये क्योंकि एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये पीसीबी चाहे ना भी रिलीज करे कोई इशू नहीं है, सबसे ज्यादा जो आपका इशू है उसको मैंने एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर, जितने भी इस वक्त लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, शायद किसी ने आपको डिफेंड किया हो। हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि बात अब एक ऐसी स्टेज पर आ गई है जहां पर आपकी फैमिली की तरफ से, आपके भाई, आपके वालिद और आपकी तरफ से खामोशी है और चीजें खराब होती जा रही है। मैं सबसे बड़ा आपका वकील रहा हूं। हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस मसले को खत्म करने के लिए जब बोल पड़ेंगे तो शायद 22 करोड़ लोग जो है वो राजी हो जाएंगे और वो जो कप्तान को शक की निगाह से देख रहे हैं वो उनका शक खत्म हो जाएगा। भाई फिर वही मैं बात करूंगा कि कोर्ट में चल रहा है और टीमें देख रही हैं। अभी मेरे साथ से क्रिकेट पे जितनी बात की जाए उतना अच्छा भी, क्योंकि टूर के रिलेटेड बात होगी और इंशाल्लाह आपको जो वकील है वो मेरे कर रहे हैं और रिजल्ट जल्दी नजर आ जाएगा। जी थैंक यू। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, ये टॉपिक बहुत दफा हम लोगों ने आंसर कर दिया, इस पे प्लीज नो मोर क्वेश्चंस होंगे, क्रिकेटिंग क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग जरूर करिएगा। जी हाफिज, आप क्वेश्चन करें। बाबर, अभी आपने बात की कोविड की सूरत हाल की, कुछ प्लेयर्स हैं जिनसे बात भी हुई और इस चीजें सामने आ रही हैं, कितना मुश्किल है क्योंकि लग रहा है कि बहुत से प्लेयर सारी सूरत हाल में एक कमरे में रहना, वहीं से निकलना, हो ग्राउंड जाना, एक से सूरत हाल में रह के प्लेयर्स जो हैं इस वक्त वो जिसे कहते हैं नफ्सियाती थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होते जा रहे हैं, तो किस तरह इस चीज़ को हैंडल करेंगे? और दूसरी चीज़, अभी आप हमने देखा है कि होम ग्राउंड हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले दो साल से जैसे ही हम होम ग्राउंड से बाहर निकलते, चाहे इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो कितना मुश्किल होगा ये पूरा? हाँ देखें, अब भाई जिस तरह आपने बात की है कि मुश्किल होता है एज अ प्लेयर, एज अ पूरा ग्रुप, आप एक होटल में बंद हैं और ग्राउंड से होटल, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और कोशिश हम यही करते हैं कि ज़्यादातर रूम्स में ना बैठें, एक जगह इकट्ठे होके ज़रा गेट टुगेदर, खाना इकट्ठे खा लिया, बातें कर ली, ज़रा टाइम स्पेंड कर लिया, तो उससे भी लड़कों को काफ़ी रिलीफ मिलती है। और कोशिश हम यही करते हैं कि यार एक दूसरे के साथ रहें, ये ना हो कि हम अकेले अकेले रहें, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस होता है एक रूम में रहना सिर्फ, क्योंकि आप जब तक 24 घंटे क्रिकेट को सोचते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। तो यही हम एक करते हैं कि जैसा मैंने पहले भी बोला, एक टीम रूम है, वहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, एक दूसरे के रूम में जाके टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो हम ये है कि एक दूसरे को साथ साथ रखते हैं। जी बिलाल, मेरा प्लीज क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बाबर, मैं ये पूछना चाहता था कि आपने ये बायो सिक्योर का मेंशन किया, लेकिन फैक्ट इज कि लास्ट टाइम हमारा जो टूर था न्यूजीलैंड में, हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बिकॉज इतने लोगों को एकदम से पता नहीं किस तरह से ये कोरोना हो गया। तो इस दफा आप क्या एज ए कैप्टन आप रियली स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ कि ये फिर से ये चीज रिपीट ना हो आप लोगों के साथ? देखें, जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और सारे इतने समझदार हैं कि सबको पता है कि क्या क्या करना है, कहाँ किस चीज़ से हमने वो चीज़ें नहीं करनी। और मेरे ख्याल से अब एक साल हो गया है इस चीज़ को, तो हर प्लेयर को
हर इंडिविजुअल को पता लग गया कि कैसे अपने आप को कैरी करना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है। तो मेरे ख्याल से बबल में भी यही चीज है कि छोटी छोटी चीजों के मास्क पहनना और ये सब चीजें अब हर प्ले को पता है और हर प्ले इस चीज को कैरी करता है। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, आप जिस तरह पहले बात हुई कि शर्जील खान को टीम में शामिल किया गया, फिटनेस पर काफी सवाल थे, लेकिन वो एक अलग चीज है, आपने कहा वो परफॉर्मर है। दूसरी तरफ आजम खान और सुहेब मकसूद को भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुला लिया गया, तो क्या उनकी भी फिटनेस को बेहतर करके टीम में लाने का सोचा जा रहा है फ्यूचर में? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जो हमारे प्लान्स में हैं प्लेयर्स, उनको हम यही कह रहे हैं कि एनसीए में बुला के उनको उस पर काम किया जाए, उनकी फिटनेस पे काम किया जाए, उनकी स्किल्स पे काम किया जाए, तो वो जो हमारे आने वाली सीरीज है उनके लिए उनके लिए अवेलेबल हों। और बिल्कुल जो जितने प्लेयर्स हैं, इनके रेड बॉल के प्लेयर्स भी हैं जो हमारे प्लान्स में हैं, वो सारे एनसीए में आ रहे हैं और उनको बुलाया जा रहा है, उनका मिनी कैंप लगेगा और उनको कैरी किया जाएगा के फिटनेस पे काम करें, अपनी स्किल्स पे काम करें कि वो अपनी जो नेक्स्ट सीरीज या जो भी हमारा टूर्नामेंट आएगा उसके लिए अवेलेबल हो। जी अशोक चौधरी सर प्लीज। जी बाबर अस्सलाम वालेकुम। बाबर पाकिस्तान टीम का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम 50 वनडे हारे हुए हैं, तो क्या तोको कर रहे हैं कि जो तीन वनडे और चार T20 मैचेस हैं उनमें रिजल्ट पाकिस्तान को आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम एक ऐसा कप्तान है जिसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, माजी में ऐसा किसी कप्तान को नहीं सपोर्ट हासिल नहीं। सर देखें ये तो लोगों का प्यार है, लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से ही माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म हो रहा है। और रिजल्ट मेरा हमेशा बिलीव यही है कि पॉजिटिव ही होता है और कोशिश यही होती है कि जितना हम अच्छा खेलें, जितना हम ऑन द डे अच्छी परफॉर्मेंस करें, पाकिस्तान को जिताएं। देखें इसमें मेरा नाम नहीं है ना किसी और प्लेयर का नाम है, फिर ये पाकिस्तान का नाम आ जाता है और हम यही चीज़ जेन में रखते हैं और प्लेयरों को भी यही बोला जाता है कि जितना 100% हो अपने आप को शो करवाओ और अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करो। और कोशिश यही होती है कि मैच जीते हैं, जिस मर्जी सिचुएशन में हो, जो सी मर्जी कंडीशन में हो, जहां मर्जी हम खेल रहे हो, आप चीज़ों को असेस करते हैं, कंडीशंस को असेस करते हैं, फिर उसके बाद आप जब खेलते हैं तो आपको रिजल्ट डिफरेंट आते हैं और इंशाल्लाह इस टीम में ये है कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे। जी उस्मान खान। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इमाद वसीम के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, काफी एक्सपीरियंस है, उनकी परफॉर्मेंस भी रही है। उसके अलावा एक दो प्लेयर्स और हैं, कामरान गुलाम है जैसे, वो भी स्क्वाड का हिस्सा थे, उनके बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया गया, तो इन खिलाड़ियों जो ड्रॉप हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखें मेरे ख्याल से चीफ सिलेक्टर ने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका है सबके बारे में, हर प्लेयर के बारे में, तो मेरे ख्याल से यहाँ मेरा बनता नहीं है बोलना और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और मेरे पे जो टीम है, मेरे पास जो टीम है वो उसमें मेरा जो बेस्ट 11 होगी मैं उसको खिलाऊंगा। ओके जी थैंक यू वेरी मच जी आप सबके ज्वाइन करने का। पाकिस्तान टीम 1 बजे जो है वो सेशन करेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबसे